नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मिस्टीरियस इंसिडेंट की जो दिल्ली के स्ट्रीट्स में घूमता हुआ एक डरावना शैडो बन गया था। हाँ, आपने सही सुना, मंकी मैन इंसिडेंट 2001। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली 2001, शहर जिसे कहते हैं दिल का दरवाजा। लेकिन उस वक्त एक अजीब साया घूम रहा था, मंकी मैन। कौन था ये, कहाँ से आया था ये, कैसे दिखता था ये, और सबसे इम्पोर्टेंट, लोगों में आखिर क्यों इसका डर बिखरा हुआ था। 5 अप्रैल 2001, गाजियाबाद में गर्मी बहुत ज्यादा थी। उस वक्त बहुत फ्रीक्वेंट पावर कट्स होते थे, तो इसीलिए ज्यादातर लोग अपनी छतों पर सोना प्रेफर करते थे। ऐसे ही एक आदमी थे, अनिल गोपाल, जो उस रात अपनी छत पर आराम से सो रहे थे। लेकिन ठीक रात के 2 बजे इनको ऐसा महसूस होता है कि इनके ऊपर हमला किया जा रहा है। हमले से इन द सेंस इस पर किसी क्रिएचर ने काफी सारे स्क्रैचेस और बाइट्स कर दी हैं। नींद में किसी तरह ये अपने अटैकर से दूर भाग जाते हैं, उसे लात मार के भगा देते हैं। लेकिन रात का समय था तो कुछ भी अच्छी तरह से दिख नहीं सकता था, इसलिए उनको कुछ भी अच्छे से दिखा नहीं। लेकिन उनका दावा है कि वो मंकी जैसा क्रिएचर था। क्या वो चीज थी, किस क्रिएचर ने इनके ऊपर हमला किया था, नहीं पता। अब इस इंसिडेंट के 2 हफ्ते हुए नहीं थे कि एक और इंसिडेंट इनके पड़ोस में हो गया। विनोद नाम के व्यक्ति अपनी छत पर सो रहे थे, आराम से सो रहे थे, हवा भी अच्छी चल रही थी, इसीलिए इनको नींद भी काफी अच्छी आ गई। लेकिन तभी ठीक 3:15 पर इनके साथ भी वही हादसा हुआ। कुछ मंकी जैसा क्रिएचर इनके पास आया, इन पे काफी सारी स्क्रैचेस की और इनको काटा भी। इन्होंने भी किसी तरह उसको भगा तो दिया, पर रात का समय था तो इनको भी कुछ नहीं दिखा। दावा तो इनका भी है कि वो मंकी जैसा क्रिएचर था और आधा इंसान भी था। गौर दो गाइस, आधा इंसान भी था, मतलब मंकी मैन। अप्रैल और मई 2001 के बीच में दिल्ली पुलिस को ऐसी 100 कॉल्स आती हैं जिनमें उनका दावा है कि कोई मंकी मैन टाइप का क्रिएचर उनको रात पर रूफ पर अटैक कर रहा है। कौन था वो, कहां से आया था, किसी को नहीं पता। रात को आता, स्क्रैचेस और बाइट्स करता और चला जाता। कहां से आता है और कहां जाता है, ये आज भी एक मिस्ट्री बन चुकी है। जिन लोगों ने ये कॉल्स की थी उनको पुलिस ने बुलाया और उनसे पूछा कि वो क्रिएचर आखिर दिखता कैसे था। काफी लोग अपनी छत से ही कूद जाते थे क्योंकि उनको डर लगता था कि मंकी मैन आएगा, मारेगा और खा जाएगा। इतनी सारी केसेस के बावजूद भी किसी ने उस मंकी मैन को करीबी से नहीं देखा था। क्या ये सिर्फ र्यूमर्स था या फिर ये कुछ असली था। लोग डर से घबराए हुए रात को घर के अंदर भी सेफ महसूस नहीं कर रहे थे। मीडिया ने भी अपने मसाले में डाल दिया था, हेडलाइंस में मंकी मैन स्ट्राइक्स अगेन, और हर खबर में एक नया ट्विस्ट। हम लोग देखते थे न्यूज और सोचते थे क्या ये सच है या फिर एक नाटक। पुलिस वाले भी परेशान हो गए थे। कुछ लोग कह रहे थे मंकी मैन एक भूत है, तो कुछ लोग कह रहे थे कि कुछ और। इन्वेस्टिगेशंस के बीच कंफ्यूजन का माहौल था और लोग भी काफी डरे हुए थे। हमेशा की तरह आई कॉन्स्पिरेंसी थ्योरीज। कुछ कह रहे थे गवर्नमेंट का चक्कर है, कुछ कह रहे थे एलियंस इन्वॉल्व्ड हैं। क्या ये सब बस एक अफवाह थी या कुछ असली था। धीरे धीरे ये सारे केसेस कम होते गए और दिल्ली में एक अलग ही माहौल बन गया। लोग अब अलर्ट रहने लगे, रात को छतों पर सोना बंद कर दिया, स्ट्रीट सुनसान हो गई और सब कुछ था कुछ खास। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी मंकी मैन की, क्या आपने भी सुना है इस इंसिडेंट के बारे में, कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और अगर हमारी ऐसी ही रहस्यमय वीडियोस चाहिए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।